नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। रेडी हो रही हूँ। नहीं बाबा, 10 मिनट्स। अरे जब तक तुम आओगे आई विल बी डन, ठीक है? डोंट वरी, आओगे, बाय। तुझे बोला था ना मैंने, क्यों बार बार कॉल कर रही है? देख मैं तुझे बाद में कॉल करता हूं, अब फोन रख। हेलो, कामोठे पुलिस स्टेशन। आई सर, ये देखिए, हिना शर्मा नाम था, उम्र 25 साल, पेशे से एयर होस्टेस थी, इस बंगले में अकेली रहती थी। 2 गोलियां मारी गई हैं सर। सबसे पहले किसने देखा? सर इसके मंगेतर अनिकेत ने, हमारे डिपार्टमेंट का सर, PSI, कलमबोली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है, बाहर बैठा हुआ है। सर कैसे हुआ है सब? कुछ पता नहीं सर, मैं बाहर से आया। और इना कहाँ हो यार? इना इना, ये सर अभी कुछ देर पहले मेरी फोन पर बात हुई थी उसके साथ, पता नहीं इतनी अचानक ये सब। सिर के आसपास पता करो, किसी ने किसी को यहाँ आते हुए देखा था क्या? और किसी ने फायर की आवाज सुनी थी? सर ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है, हतापई हुई लगती है। फॉरेंसिक को बोले उसके नेल्स सर्च करें, किसी के स्किन के ट्रेसेस मिल सकते हैं, और ये डाटा रिकवरी के लिए भेज दो। अगले ही महीने हमारी शादी होने वाली थी सर। हर एक बेजान लाश एक पूरी जिंदगी की कहानी सुनाती है, उस इंसान के सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी खुशियां, उसके आंसू, सब कुछ आपके और हमारे जैसा ही होता है। पर कोई एक हैवान अपने गुस्से और नफरत की वजह से उनसे वो सब कुछ छीन लेता है। हिना की हत्या किसी ने उसके घर में घुसकर दिन दहाड़े कर दी थी। कौन था हिना का कातिल और उसने ऐसा क्यों किया था? हिना का मर्डर इस केस की बस एक शुरुआत थी, लेकिन आगे चलकर जुर्म का एक ऐसा पुलिंदा खुलने वाला था
जिसने इस केस को साल 2019 के सबसे खतरनाक केसेस की लिस्ट में दर्ज करवा दिया। तू खेल मेरे जज्बातों से, मुझे कोई गम नहीं। जो माफ कर दे दुश्मनों को, ऐसे भी हम नहीं। तूने धोखे से यारी की है, तुझे मौत का साथ निभाना होगा। जो तोड़ेगा दिल मेरा, उसे इस दुनिया से जाना होगा। और ये हो गया पोस्ट। अरे हमारा नेता कैसा हो? चाहो जैसा हो। जनसभा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप देशमुख जिंदाबाद। अरे हमारा नेता कैसा हो? चाहो जैसा हो। प्रदीप देशमुख जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गणेश राव, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप देशमुख जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? गणेश राव जैसा हो। क्या सरकना बाजूला जाना उधर, ये हमारा एरिया है समझो ना। साला बाप के साथ ऐसी बात करता है, चल निकल। ए ए एरिया में क्या भाईगिरी करेगा? खाना हो गया क्या? किसके गिरवान पे हाथ डाला पता है? तेरा सर। सर हिना के पीएम रिपोर्ट। सर उसे दो गोली मारी गई थी, एक पेट पे और एक छाती पे। दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में मर्डर हुआ है। किस गन से गोली चली कुछ पता चला? सर .32 की रिवॉल्वर से। इसका मतलब अनिकेत के सर्विस रिवॉल्वर से गोली नहीं चली। जिस रिवॉल्वर से गोली चली उसे साइलेंसर लगा होगा, इसलिए किसी ने आवाज नहीं सुनी। एकदम किलर शिवा, क्या लगता है तुम? और तेरी एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या बोलूं? तेरे को मालूम है, मेरी आई भी यही चाहती थी कि मैं ना बहुत बड़ा हीरो बनूं। मेरा भी सपना है कि मैं ना तुझे बड़े पर्दे पर देखूं, ऐसे डिशुम डिशुम करते हुए। तू तो बिल्कुल से मेरी आई जैसी है मम्मी। चल पागल, मैं माँ हूँ तुम्हारी। और क्या, तू भी तो मुझे मेरी आई जितना ही प्यार करती है। अच्छा चल, मुझे ना वो वाली वीडियो भेज, हमारी वाली। वैसी वाली वीडियो मैसेज से नहीं भेजते, किसी और के हाथ लग गई तो? अरे कुछ नहीं होता, मैं बोल रही हूँ ना, भेज। हाँ भेजता हूँ। हाँ क्या कर रहा है बे? ये इसको जरा संभाल के रख। है क्या अरुण भाऊ? अबे बम थोड़ी है जो तेरा घर उड़ जाएगा, इतने सवाल क्यों कर रहा है? जितना बोला उतना कर, चल मिलता हूँ बाद में। हो चल। ताई ये तो मैं। बस दिन भर हीरोगिरी करवा लो इससे। इस फोन की बैटरी भी ना। संध्या, ए संध्या तेरा फोन दे, फोन करना है मुझे, मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है। ओ उधर ही रखा है चार्जिंग पर। हमारी बेटी बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आई थी कानपुर से यहाँ से। हाँ जाने दो ना, यहाँ रहूंगी ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, वहां मुंबई गई ना तो सच में कुछ बन जाऊंगी। इतना जिद क्यों कर रही है? ऐसा क्या बनना है तुमको? आप जानते तो हो, हवा में उड़ना है हमें, एयर होस्टेस बनना है। प्लीज जाने दो। थैंक यू मॉम, यू द बेस्ट। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? पता नहीं, कितनी भी बड़ी बात हो जाती तब भी हमसे कुछ नहीं कहती, पर जब हम उसे डांटते ना तो बस एक ही बात कहती कि माँ अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो परेशान हो जाओगी। हम दोनों बहुत खुश थे सा, अगले महीने मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। अनिकेत और हिना के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था ना?
हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत जल्द हम लोग शादी भी करने वाले थे। हिना बहुत खुश थी। टेस्ट करके देखी। कितना तीखा है। झूठ बोल रही थी ना? तुमने इतने प्यार से बनाया था, क्या करती? सो स्वीट। मुझसे शादी करोगी हिना? क्या हुआ बेबी, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो मैं इसे हाँ समझू ना? तो तुम्हारे और हिना के बीच कोई टेंशन नहीं थी, तो हिना का मर्डर होने के 20 मिनट बाद तुमने पुलिस को कांटेक्ट क्यों किया? चार बज के 4 मिनट को तुम घर के अंदर गए और 4:24 मिनट को तुम घर से बाहर आए, उसके बाद में तुमने पुलिस को फोन किया। 20 मिनट घर के अंदर क्या कर रहे थे तुम? हिना, हिना मैं आ गया हूं, चलो देर हो रही है, जल्दी करो। हिना जल्दी करो पापा, देर हो रही है। हिना टीवी पे ऐसा कौन सा प्रोग्राम चल रहा था जी? टीवी पे ऐसा क्या देख रहे थे 20 मिनट तक? टीवी पे वो ऐसा तो नहीं, तुम घर के अंदर गए, हिना तुम्हारे सामने कुछ कंफर्ट कर रही थी, तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारे में झगड़ा हुआ, तुमने उसे गोली से मार। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप मेरा यकीन कीजिए। पर भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई तो पूछ रहा हूँ, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम खुद बताओ, नहीं तो सबूत सच बता ही देगा। काजी करो नको, काम होइल तुझे, हां देख आओ, सही से काम करना, पार्टी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। बाबा टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे आ गया हमारा चीता, आजा आजा। हां जी हां, खुश रहे खुश रहे। बाबा आपका ये चीता आजकल टिकटॉक स्टार बन गया है। अच्छा हां, ये दिखा ना वो अपना वाला वीडियो दिखा। हां बाबा, हां हाँ हाँ, ये देखो बहुत टैलेंट है तेरे अंदर, एकदम घटिया इंसान है सर। देख अपनी बहन को अपनी गंदी वीडियोस भेजिए, सगी बहन है सर। तेरा नंबर दे। अरे यार ये फोन सॉरी बाबा, मैं देख ले। हेलो हेलो शिवा, PSI शिरके कामोटे पुलिस स्टेशन, जरा पुलिस स्टेशन ला लव करिए। पुलिस स्टेशन में क्या मारधाड़ लगाई रे? सर शिवा ऐसा नहीं कर सकता है सर। अरना अमर, एक वीडियो बना रहा हूँ मैं तेरी, तेरे साथ सबकी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि मालूम पड़े कि पुलिस स्टेशन में ये मेरे को मार रहा है, पुलिस देख रही है। मैंने जिगर खुद गंदे वीडियो बनाया था और पुलिस को उसकी ड्यूटी सिखाता है, अंदर कर दूंगा डंडे गिरेगा ना पीछे, सब समझ में आएगा। आवाज नीचे साहब, शिवा इतना भी गिरा हुआ नहीं है, और क्यों बंद करेंगे मुझे? गलती क्या है मेरी साहब? की गलती से हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ साहब। मैं अभी ताई को ऐसी वीडियो भेजूंगा, ये देखो संध्या लव, संध्या सिंह, ये वीडियो मैं अपनी लव को भेज रहा था, संध्या को। अब मेरी ताई का नाम भी संध्या है, तो गलती से सिर्फ को चला गया। झूठ बोल रहा है साला। पर ताई तेरे को लगता है कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा? अरे तू भूल गई, जब तू सच दर्ज किया अपने घर से बाहर निकलती थी ना, तो पीछे जो तेरे पर लाइन मारते थे उनको कौन रोकता था? उनको मैं रोकता था, मैं देता था उनको, भूल गई तू? तेरे से छोटा मैं, लेकिन आई बाबा के जाने के बाद मैंने संभाला तेरे को, तेरे को तेरे ये ना इतना नल्ला पति। तेरा मुंह संभाल के, जी जिबेला का हाड़ आएगी नहीं। साहब ये ना किसी तरह मुझे फंसाना चाहता है, ताकि मेरे घर पे नाक बन के कुंडली मार के बैठ सके ये। पर आप तो मेरी बात मानोगे नहीं, आपको तो सबूत चाहिए होता है ना। अभी रुकिए, अभी संध्या मेरी लव है ना, वो इधर आएगी आपको सबूत दिखाएगी। लो ये सर, मैंने उसे बोला था कि मुझे वीडियो सेंड करे। सर शिवा ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकता है। तू कौन? मैं इतना मंत्रींचा मुलगा है सर, इसका गारंटी मैं लेता है। मुझे लगता है सच बोल रहा है, गलती से सेंड हुआ होगा ये शिवा की तरफ से। वैसे तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ ऐसा वीडियो करना नहीं, अगर ये गलती से सर्कुलेट हो जाए ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। हो सर। अरे पंकज भाई,
ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। टिकटॉक स्टार, चल बैठ। वाह, बड़ा गले लग रहा है इस सांप को तू। ये उस अरुण का ना पालतू कुत्ता बना हुआ है, तेरे बाप के विपक्षी का बेटा है ना उसका, तेरा दुश्मन है। अरे पागल है रे, चल तू। शिरके, ये अनिकेत का किसी गन डीलर या हिस्ट्री शीटर के साथ कनेक्शन है क्या? देखो, और उसका और हिना का फोन डिटेल्स का क्या हुआ? ये दोनों की फोन डिटेल्स आ गई हैं। सर, हिना के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, नॉर्मल कॉल्स हैं। लेकिन सर, ये अनिकेत पिछले कई सालों से एक लड़की से बात करता था, ये कोयल नाम है इसका। तुम अनिकेत के साथ कुछ ज्यादा ही बात करती थी। हाँ, वो मेरा पुराना दोस्त है। इतनी देर तक हिना को पता था? हाँ। तुम्हारे दोस्ती से हिना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो फिर उसने कभी तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया? ये हिना का कॉल रिकॉर्ड। वो अक्सर हमारी मुलाकात पार्टी में होती थी, और बात करनी होती थी तो अनिकेत के फोन से हो जाती थी। हम पुलिस है, हमसे कोई कितना भी झूठ बोले, कबर से सच खोद के निकालते हम लोग। पंकज, अकेले अकेले पार्टी शुरू कर दी? चलो कोई बात नहीं, जाम से जाम टकराए, टुक टक वीडियो हो जाए। आजा इधर देख। उधर दुश्मन के साथ जाकर मिला है, और इधर मेरे सामने दुम ला रहा है कुत्ते। ए पंकज, लीला है क्या तू? तेरे अक्कल में बात घुसती है कि नहीं घुसती है? कितनी बार समझाया तेरे को कि भूल जाता कुछ, भूल जाता कुछ, लेकिन नहीं। बचपन में तो बड़ी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे हम, स्कूल कॉलेज में दोस्ती जिंदाबाद करते थे, अब बड़े हुए तो दुश्मनी दुश्मनी खेल रहे। क्यों यार? क्योंकि उसका बाप दूसरी पार्टी में, इसीलिए बस। ए, ए पंकज, अरे छोड़ ना यार, भूल जा सब कुछ। ये लाइफ में ना बड़ी कुत्ती चीज होती है, जिंदगी में वैसे भी लगी हुई है सबकी यार। इसे तू और क्यों मेहंदी हसन के सैड सॉन्ग बना रहा है यार? छोड़ ना यार, फिर से दोस्ती करते हैं। सही कह रहा है यार, चल माफ कर दे। चल तेरे को वीडियो बनाने का है ना, चल बना ले, बना ले वीडियो। चल रुक जा, एक पिक्की ले, ये सब ठीक हो जाएगा, ले मूड में आने दे। अरे ले, ये मूड बना, ये ले। चल और जमेगा ना रंग। हाँ बना। हाँ चल बोल। हाँ, ये दोस्ती है लाखों पे भारी, एक और यार है हमारा, करते हैं फिर से उससे भी यारी। अरे दोस्तों के दोस्त है हम, सच्चे पक्के दोस्त है हम। बस कर रहे, पर कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। यार अरुण, अब तू क्या ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है? जब पंकज सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तू कुछ छोले के गब्बर की तरह उसके हाथ काटने पे तुला है? चलना यार, करते हैं ना पहले वाली दोस्ती। तुम लोग को दोस्ती करनी है ना, करते दोस्ती। हाँ चल, पहले की तरह पार्टी करते, ये जंगल में तीनों की यारी सब पे भारी। लेकिन सुन, तुझे मेरा एक काम करना होगा। सर, अनिकेत के कॉल रिकॉर्ड में किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर नहीं है, और मैंने खबरी से भी पता किया है, अनिकेत किसी गन सप्लायर के कांटेक्ट में भी नहीं था। अनिकेत ने कुछ दिनों पहले एक ड्रग डीलर को पकड़ा था, भीमा नाम है सर उसका। उस वक्त ये भीमा अकेला था, दोनों के बीच क्रॉस फायरिंग भी हुई थी, लेकिन सर पुलिस रिकॉर्ड में भीमा की गन जमा नहीं हुई। हाँ सर, गोली मैंने ही चलाई थी। तो गन कहाँ है? सब इंस्पेक्टर अनिकेत कामले ने अपने पास ही तक ली और कहा कि अपना मुंह बंद रखना वरना आर्म सेट लगा दूंगा। सर मुझे लगता है कि हमें अनिकेत से ही पूछना चाहिए। कुछ फायदा नहीं, वो कबूल भी नहीं करेगा और गन का रिकॉर्ड भी नहीं होगा। एक काम करो शिरके, ये अनिकेत के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलते हैं ना, इकट्ठा करो। मुझे यकीन है इन सब के पीछे उसका ही हाथ होगा। तो जब से तुम मुझे छोड़कर गई है राय, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आई आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई आई तेरा बेटा बड़ा काम करने जा रहा है, आशीर्वाद दे आई। दोस्तों, अपनी आई के साथ साथ मुझे आपकी भी बेस्ट वाली विशेष चाहिए। अगर आप भी अपनी आई से प्यार करते हैं तो मुझे विश कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।
माय लव, मैंने अभी तुम्हारा पोस्ट देखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दो दोस्तों को मिला के। सबसे पहले ना मैं विश करूंगी ऑल द वेरी बेस्ट, दोस्ती जिंदाबाद। सर, हिना के मोबाइल में कुछ फोटो मिले, ये देखिए। सर, ये फोटो किसी आरती नाम की लड़की ने भेजे थे। जी हाँ सर, मैंने ये फोटो हिना को भेजी थी। इसका मतलब अनिकेत हिना को चीट कर रहा था? सर पता नहीं, लेकिन अनिकेत ने कभी नहीं बताया हिना को कि कोयल इसकी गर्लफ्रेंड थी। वो हमेशा यही कहता था कि उसकी जस्ट नॉर्मल फ्रेंड है। पर हाँ, हिना को उन दोनों पे शक था, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड से कहीं ज़्यादा क्लोज थे। हिना ने एक दिन मुझे पार्टी में पूछा तो गलती से मेरे मुँह से सच निकल गया, और हिना को ये लगने लगा कि मैं अनिकेत के खिलाफ उसे भड़का रही हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मैंने इसलिए तुमने प्रूफ के लिए अनिकेत और कोयल के पुराने फोटो से भेज दी। हाँ थी, कोयल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और ये बात मैंने हिना से छुपाई थी ताकि हिना से शादी कर सको और कोयल से टाइम पास करते रहो। नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे, मैं तो सिर्फ क्या, देखिए सर, हिना मुझे लेकर काफी पॉजिटिव थी, और शायद इसी की वजह से मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। मैं ये एक बात जानता था कि अगर उसे कहीं से भी पता चल गया कि कोयल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है तो वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। मैं बस यही नहीं चाहता था। कोयल बहुत ही अच्छी लड़की है, और अब हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। दोस्ती बचाने के लिए तुमने प्यार को रास्ते से हटा दिया। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, जिस गन से हिना का मर्डर हुआ वो गन तुम्हारे पास थी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सच, भीमा को अरेस्ट करने के बाद वो गन तुमने तुम्हारे पास रख ली थी। सर मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये सब उस भीमा ने करवाया है अपने आदमियों के साथ मिलकर। सर मैंने उस भीमा का धंधा बंद करवाया था, इसीलिए मुझसे बदला लेने के लिए उसने मेरी हिना को मार डाला। तुम पुलिस वाले हो, हम भी पुलिस वाले, हम सच को उगलवाना जानते हैं। सच तो हम ढूंढ के रहेंगे। ये शिवा भी ना किधर रह गया अभी? ये शिवा फोन कर उसको। गलत, अपना हीरो वाला कहाँ था? अबे टिकटॉक वीडियो बना रहा था क्या? जो सामान लाने बोला था वो लाया क्या? कोई शक? अबे इसका क्या करेगा वहां पे? तेरा मर्डर जो करना है। तू क्या पागल हो गया क्या? पट्टू साला, अबे वहां जंगल में जा रहे पार्टी करने, जंगली जानवर वगैरह होंगे, इसके पहले वो अपना चखना बनाए, उसके पहले उनको। चल चल, मैं नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, अब मैं नहीं आऊंगा। डर गया फट्टू। फट्टू साला। यस दोस्ती के नाम। अरे कितने चेस करोगे भाई? पांचवा पेग हो गया चेस। इतनी बार पेगा उतनी बार चेस करेगा? ये ले ये ले। थमने एके दारू खराब, चकना खराब, अपना पार्टी खराब। ए चलो, ऐसा थोड़ी होता है। गुलाब, एक दिन के ये टाइम पे पार्टी खत्म होता है क्या? ए शिवा चल, अपन दारू लेके आएगा। चल कहीं को जाएगा? मैं भी आएगा। तू बैठ रहे बाबा, बैठना। अरे अपने बाप का राज है इधर सर। मैं भी आएगा। अच्छा तू सुने रे। अरे मैं तू चल रही। ए शिवा चाबी दे मेरा। ए शिवा, ए तू सोने का नहीं पंकज? ए मैं नहीं सोएगा दारू लेके। मैं ए शिवा चाबी देना। तो ये इसको बोल चकना वेकना ले ले फटाफट। उसको बोल फटाफट करे, मैं दारू लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी करे। चल रे पंकज उठ, चल ये ले आ गया। मैं बोला ना ए, इसको दारू लेने चलना था। खुद बैठ गए इधर। ए चल उठ। ए उठना है, चलना लाया ना दारू। उठ चल उठ। ए पंकज उठ।
शिवा, ये क्या हो गया? किसने किया? शिवा, शिवा, चल हॉस्पिटल लेके चलते। हाँ, चल, क्या पता ठीक चल। ए, ए शिवा, अबे, ये तो मर चुका है। नहीं, भगवान, ये सब किसने किया ये? मैं तू मुझे क्या पूछ रहा है? मैं भी तो तेरे साथ ही था ना उधर। इसके घर में क्या जवाब देंगे मरु? देख, मेरी बात सुन। अपुन किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। अपुन यहाँ से भाग जाते। अपुन लंबा वापस जाएंगे यार। मर्डर केस में सो जाएगा। पर हम क्यों भागेंगे? हमने क्या किया है? अरे ये तुझे पता है, तूने कुछ नहीं किया। मुझे पता है, मैंने कुछ नहीं किया। लोग थोड़ी ना मानेंगे। सुबह मैं बोल रहा हूँ, अपुन लंबे पहुंचेंगे। तू चल, तू मेरी बात बात, तू चल, चप्पल चप्पल चल 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 चल। जितना भरोसा हम अपने दोस्त पर कर पाते हैं, उतना अपने खून के रिश्ते या प्यार पर भी नहीं कर पाते। लेकिन दोस्ती का ये खास रिश्ता वक्त बदलने पर खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे ये दोस्त हमारी हर कमजोरी को जानते हैं। अरुण से अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए पंकज शिवा के कहने पर पार्टी में आ तो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी मौत वहां उसका इंतजार कर रही है। लेकिन दोस्ती में पंकज को यह धोखा किसने दिया? अरुण ने या शिवा ने, या फिर किसी ऐसे ने जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था? पंकज, पंकज का पता चला कुछ? नहीं सर, सगळं बसून नाही बघितलं त्याला मी। अरे पता नहीं, फोन भी नहीं ले रहा साहब। मैंने पंकज यादव को सब जगह खोजा, पर कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैंने उसे बोला था लाला से बात करके डील नक्की करने के लिए, फोन भी नहीं उठा रहा है। पापा देखिए, ये वीडियो शेयर हुआ है। पंकज गणेश के बेटे के साथ जंगल में। बाबा ये कौन सा एरिया है? नीचे उतारो इसे। पंकज, पता पता कहाँ है पंकज? काका मला खरच काय माहिती नाहीये। काका मला खरच काय माहिती नाहीये। का करने वाले थे पार्टी? जंगल के अंदर ही करने वाले थे। पंकज, 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 पंकज। श्री प्रदीप देशमुख के बेटे पंकज देशमुख को किसी ने गोली मार दी है। परिजनों के मुताबिक पंकज यहाँ पर अपने दो दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था। एक प्रदीप के विपक्षी गणेश मोरे का बेटा अरुण मोरे भी था। पार्टी के दौरान तीनों दोस्तों ने अपने वीडियोस भी पोस्ट किए थे। पंकज के दोनों दोस्त अरुण और शिव इस समय फरार है। अरे देखने दो, दे पहले। कब हुआ? अरे कैसे हुआ ये बताएगा? पूछो इसे। सुना नहीं आपने? ये रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रही है? वो गणेश का बेटा मेरे बेटे को यहाँ बहला कर लाया और उसे गोली मार दी। ये गवाही देगा उसकी, गणेश का टट्टू। अरे शांत हो जाए सर, शांत हो जाए। ये तुम पीछे हटो ना, मैं बाद में बात करता हूँ। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो पीछे। हाँ बोलिए सर। वो अरुण यहाँ पर आया था पंकज और शिवा के साथ। शिवा, शिवा सर, शिवा वो जिसने अपनी बहन को गलती से वीडियो भेज दिया था। साहब शिवा इतना भी गिरा हुआ नहीं है, आया था ना हमारे थाने में। शिवा, पंकज और अरुण तीनों बचपन के दोस्त हैं। मैं पण त्यांच्या बरोबरच असतो। वो शिवा यहाँ पर आया था उनको लेकर दोस्ती करने के लिए। तेरे को कैसे पता? मैं भी आने वाला था ना पार्टी में। क्यों नहीं आया? वो तबीयत खराब हो गई मेरी, इसीलिए। कसम से शपथ खर्च सम। सर ये अरुण कुछ सही आदमी नहीं है, इसके पहले भी एक आदमी के ऊपर हमला कर चुका है। गोली छू कर निकल गई, आदमी की जान बच गई, पुलिस केस भी हुआ था। लेकिन सर हमारे पास सबूत नहीं था, इसलिए छोड़ना पड़ा और आखिरी में उस आदमी ने केस भी वापस ले लिया। ये सामान सब फॉरेंसिक को भेज दो, ग्लासेस बॉटल सब कुछ। भैया अरुण और शिवा पुलिस स्टेशन मिला। देखिए मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका बेटा है कहाँ पे? दिल्ली गया है काम से दो दिन पहले। और वो जो वीडियो पोस्ट की गई है वो उससे पहले की होगी, लेकिन अरुण ने कुछ नहीं किया है। साहब शिवा ने मारा होगा। क्या बकवास कर रहे हो? जो बचा रही है अपने भाई को साहब, उसी ने मारा है।
गोली लगी ना पंकज को, शिवा के पास गन थी साहब इतनी बड़ी। चल दिया आवारा गर्दी करने को। आओ, ऐसा क्या बोलते हैं तुम्हें, क्यों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो? मेरी बीवी है ना तू, उसके ढूंढ जा रही है तू? दोबारा मेरी थाई पर हाथ उठाया ना, सारी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। कौन सी गन थी शिवा के पास? साहब वो तो पता नहीं मुझे, साहब दिन भर टिकटॉक वीडियो बनाते रहता है साहब। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ साहब, ये देखिए सर। ये शिवा और अरुण दोनों ही अपने घर से फरार हैं, दोनों के फोन भी स्विच ऑफ है। शिवा के जीजा आनंद का कहना है कि उसके पास एक गन थी, शिवा ने उस गन से आनंद को एक दो बार धमकाया भी था और सर पार्टी में भी वो गन लेकर गया था। घर से निकलते वक्त ये शिवा ने ये वीडियो पोस्ट किया। दोस्तों अपनी आई के साथ साथ मुझे आपकी भी बेस्ट वाले विशेष चाहिए। किसी अच्छे काम के बारे में बात कर रहे हैं सर। अगर पुलकित की माने तो शिवा पंकज और अरुण के बीच दोस्ती करवाना चाहता था। क्या ऐसा भी हो सकता है शिरके, शिवा पंकज को मारकर कोई अच्छा काम करने वाला है? शिरके तुम याद हो जब पुलिस स्टेशन आया था तो इम्पल्सिव किस्म का आदमी लग रहा था, उसके पास गन भी थी। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी में उसका और पंकज का झगड़ा हुआ, उसने गोली मार दी। एक काम करो, अरुण और शिवा इनके घर वालों के मोबाइल सर्विलेंस पे डाल दो। सर पंकज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर पंकज को तो गोली मारी गई थी। एक मिनट सर, सर ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो गोली पंकज को मारी गई और जो हिना को मारी गई, सर ये दोनों गोलियां एक ही गन से चली हैं। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये दोनों मर्डर का आपस में कनेक्शन है? लेकिन क्या कनेक्शन हो सकता है? ना मैं किसी शिवा को जानता हूँ ना किसी अरुण को साहब। ठीक से याद करो। सर मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अरुण या शिवा नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता। तो कोई दूसरा तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? कह नहीं सकता सर, कोई भी कर सकता है, भीमा भी तो कर सकता है। देखो भीमा के रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो रहा है कि तुमसे बदला लेने के लिए उसने हिना का मर्डर किया। इसलिए कॉन्फिडेंशियल पूछ रहा हूँ, क्या तुमने भीमा की गन ली थी? हाँ सर, मैंने भीमा से वो गन ले ली थी और उसे हिना के पास दे दिया था। लेकिन सर वो गन मैंने हिना के घर पे इसलिए दी थी क्योंकि मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता था। और उसके बाद में उसी गन से हिना को तुमने मार दी? मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच कह रहे हो या डर के कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है अगर अरुण पुलकित और शिवा के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन निकला तो तुम बच नहीं पाओगे। जाने वाला जाएगा, लौट के फिर ना आएगा। ज्यादा पाप मत करना दोस्तों, वरना घड़ा भर जाएगा। सर शिवा ने अभी ये वीडियो पोस्ट किया है नासिक से और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। शिवा का हिना के साथ कुछ कनेक्शन मिला? फिलहाल सर 3 महीने के रिकॉर्ड में तो नहीं, मैंने पिछले 1 साल के रिकॉर्ड और मंगवाए। उसका सोशल मीडिया भी चेक करो, देखो उसका हिना के साथ कनेक्शन है क्या। वैसे सर जहाँ हमें पंकज की बॉडी मिली थी वहाँ पे हमें 4 डिस्पोजल ग्लासेस भी मिले थे सर, उनमें से केवल 3 ग्लास पे फिंगरप्रिंट के निशान है, बाकी 4th ग्लास बिल्कुल साफ, जबकि विस्की उसमें भी थी। हो सकता है 4 लोग ड्रिंक करने बैठे हो। लेकिन सर निशान तो केवल 3 ग्लास पे है, 4th तो बिल्कुल साफ है। और ये 4th ग्लास शीर, जिसने ग्लास को ऐसा पकड़ा होगा ना उसके निशान ग्लास पे आएंगे, और जिसने ग्लास को इस तरह उठाया होगा ना उसके निशान मिलना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है आपको सर कौन हो सकता है वो 4th आदमी? वही जिसने आखिर में बीमार होने का बहाना बनाया। त्या दिवशी सर काय झालं ते मला खरंच माहिती नाही। उस दिन तो मैं उनके साथ गया भी नहीं। अरुण और पंकज में कुछ झगड़ा हुआ था क्या? ये हमारा एरिया है समझो ना, मतलब बाप के साथ ऐसी बात करता है। चल निकल। ये शिवा का भी कुछ पंगा था क्या? वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक बार पंकज ने शिवा को सॉलिड मारा था। क्यों? क्योंकि पंकज ने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी और शिवा को वो पसंद नहीं थी। थैंक यू भाई। तो जाना, तेरे हाथ का छुआ कुछ नहीं ले सकता मैं। ए शिव,
क्या बात कर रहे रे? बीबी है वो मेरी। हाँ तो तेरे को मना तो किया था शादी मनाने के लिए, आज की तू करे, धर्म हम अपना भ्रष्ट करवा ले। चल चल निकल यहाँ से, और दोबारा यहाँ पे दिखना नहीं मेरे घर में। अच्छा तो तेरे हिसाब से शिवा के पास पंकज को मारने का मोटिव था, तेरे पास भी मोटिव था, क्योंकि अरुण और पंकज का झगड़ा तेरे वजह से हुआ था। पंकज ने तेरे को सबके सामने झापड़ मारी थी, तुझे गुस्सा भी आया होगा, और तूने पार्टी को जाने का आइन टाइम पे कैंसिल भी किया था ना, ताकि तू मौके का फायदा उठाए, पंकज को मार दे और तेरे पे शक भी ना आए। नहीं सर, मैं ऐसा काहीच केलं नाही, खरंच सांगतो तुम्हाला। तो फिर पार्टी में क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं डर गया था सर। किस वजह से? क्योंकि वो अरुण पार्टी में गन लेकर गया था। तो क्या शिवा ने अरुण को गन दी थी? अरुण ने ही शिवा को गन रखने के लिए दी थी, और पार्टी में जाते वक्त वो वापस ले। शिरके, पार्टी के वक्त गन अरुण के पास थी, और अरुण और पंकज का झगड़ा भी था, तो हो सकता है पंकज को अरुण ने मारा हो। सर भले ही गन किसी के पास हो क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कि उनके बीच झगड़ा हुआ और शिवा ने गोली मारी। ये पुलकित का मोबाइल लोकेशन निकलवा। शिरके मुझे यकीन है अरुण, पुलकित और शिवा, इन तीनों में से किसी ने पंकज को मारा है। जे सांगितलंय ते व्यवस्थित सगळं झालं पाहिजे, कळलं ना? हॅलो हॅलो, एक मिनिट या तू। किधर आहे तू? बाबा मुझे इन सबसे निकलो बाबा। सर शिवा अरुण और पुलकित के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई है। सर शिवा और अरुण तो वहीं थे लेकिन पुलकित नहीं था। हो सकता है पुलकित ने अपना मोबाइल जानबूझ के घर पे छोड़ा। शिरके, ये अरुण शिवा और पुलकित का अनिकेत हीना और भीमा से कोई कनेक्शन? नहीं सर, पिछले 3-4 सालों के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए लेकिन कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं मिला। इनफैक्ट शिवा के सोशल मीडिया पर भी हीना का नंबर नहीं है। ये पंकज और हीना का मर्डर एक ही गन से हुआ, और हमारे सामने सस्पेक्ट है अरुण, शिवा, पुलकित, अनिकेत और भीमा। वैसे सर ये शिवा भी बहुत अजीब आदमी है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गायब है। मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहुत सारी लड़कियों के नंबर हैं। जिन जिन लड़कियों से ज्यादा बात करता है उन सबको बुला। वो तो बहुत अच्छा है सर, उस जैसा इंसान आजकल मिलता कहाँ है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर, वो आई बाबा से हमारे रिश्ते की बात करने वाला है, वो बहुत अच्छा है। देखो ज्यादा अच्छा है ना। मैंने प्यार बहुत लड़कियों से किया है लेकिन मुझसे सच्चा प्यार एक ही ने किया है। जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है या मुझे कमजोर समझा है उन्हें मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, तैयार हो जाओ, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही हो। जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है यार हो जाओ, कौन जाने अगला नंबर तुम्हारा ही हो। मीडिया में, शिवा के आस पड़ोस में ये बात फैल गई थी कि शिवा के पास एक गन है और वो किसी की भी जान ले सकता है। न जाने कितने ही लोग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ ये शिकायत लेकर आए कि उन्हें शिवा से अपनी जान को खतरा है। पंकज और हिना दोनों ही केसेस में पुलिस के हाथ खाली थे। इन दोनों केसेस को एक चीज जोड़ती थी और वो था वो मर्डर वेपन, वो गन। अगर ये गन अनिकेत के पास थी तो उससे पंकज का मर्डर कैसे हो सकता था, और अनिकेत के पास पंकज को मारने का क्या मोटिव हो सकता था। हेलो इरके सर, और उनकी पत्नी इस घर में गई। जी सर। घर में और कौन है? कोई नहीं सर। योगिता कौन है? रुक। इधर जा। साहब 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 मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप, तलाशी लो घर की। तूने कुछ नहीं किया तो गन कहां से आई? वो तो मैं डर गया था साहब, जब शिवा ने मेरे को बोला कि पंकज मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो मुझे लगा शायद से वो मुझे जंगल में बुलाकर मार डालेगा,
इसीलिए सब मैंने वहां पे दारू भी नहीं पी। पंकज को तूने मारा ना? नहीं साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है, मैं तो शिवा के साथ दारू लेने गया था। साहब मुझे लगता है शिवा ने ही पंकज को मारा होगा। शिवा कैसा मारे घरे? हाँ, गन तो तेरे पास थी ना। सच तो ये है कि तू शिवा को स्टॉल पे छोड़ के निकल गया था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है। फिर गन शिवा के पास क्यों रखी थी? एक बार मेरे से एक आदमी पर गोली चल गई, गोली उसे छू कर निकल गई थी, बड़ा केस वेस हो गया था, ये बात साहब भी जानते हैं, इसीलिए डर के मारे मैंने वो गन शिवा के पास रख दी थी। शिवा कहाँ है? मुझे सच में नहीं मालूम साहब। सच तो ये है कि तूने तेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए पंकज को मारा और तूने हिना को भी मार दिया। नहीं साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है, और वो हिना कौन है मैं जानता भी नहीं सर। अब सच कह रहा हूं मैं। तू सच नहीं बोल रहा है? चल दाखवा जरा अपन कसा खर कबूल करून घेतो ते। साहब साहब मैं सच कह रहा हूं साहब, साहब साहब। फिर के इसकी गन बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजो, मैच करा। और वो शिवा वो अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, देखो उसका कोई पुराना प्रोफाइल है क्या, चेक करो। ठीक है सर। सर अरुण के पास जो गन मिली उससे मर्डर नहीं हुआ था। फिर पंकज और हीना का मर्डर किस गन से हुआ? दोस्ती और यारी के चक्कर में कभी कभी थोड़ा मतलब भी बन जाना चाहिए। सर मैंने शिवा के सोशल मीडिया पर पुराने अकाउंट चेक किए। सर एक अकाउंट मिला है जिसमें वो हीना से कनेक्टेड है, ये देखिए। अरे बाप रे, आई लव यू, तुम मुझे अच्छी लगती हो, और इसके बाद में हीना ने उसे ब्लॉक कर दिया। हाँ सर, मैंने इन दोनों की चैट भी पढ़ी है, ये देखिए। ये हीना इससे कैजुअली बात करती थी, दिन में 2 या 3 बार मैसेज करती थी। लेकिन ये शिवा, सर ये मजनू बना बैठा था, ये बार बार हीना को मैसेज कर रहा था, ये देखिए। और सर ये थोड़ी देर पहले ये शिवा ने ये वीडियो अपलोड किया है। ये कैब का नंबर, इसके मालिक का पता करो, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। और ये भी पता करो ये वीडियो उसने कहाँ से पोस्ट किया है। ठीक है सर। तो शादी करेगी मुझसे? सर शिवा के कैब की लोकेशन मिल गई है, गुवाही पेपर है। भक्ति गाड़ी उसको ओवरटेक कर। ए, ए, बाहर निकल, बाहर निकल शिवा, बाहर निकल। संध्या तू इधर पर। शिवा मैं तुम्हें इसे छोड़ के नहीं जा सकती। संध्या तेरे पेट में जूनियर शिवा है, उसको अच्छे से पालना। चल। नहीं शिवा, शिवा संध्या जा तू बाहर। शिव उधर, ए उधर छोड़। पंकज और हीना को तूने मारा है ना? हाँ, पंकज और हीना को मैंने ही मारा है। बाहर निकल, एक नाटक मत कर, बाहर निकल। ना तेरा बेटा तेरे पास आ रहा है, आई तेरे पास आ रहा हूं मैं। आप सब लोगों को मेरा आखिरी सलाम। शिवा अंदर एक बैग मिला है, उसमें लेटर था। मैंने सबको इतना प्यार किया लेकिन सबने मुझे धोखा दिया। पंकज ने अपना कुत्ता बना कर रखा, जब चाहा लात मार दी, जब चाहा उचकार दी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पर हीना, उसे तो मैं प्यार करता था, 5 साल पहले उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने क्या किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। और अभी जब मिली तो हीना पहचाना? नहीं कौन? शिवा, तूने को ब्लॉक ही मार दिया, क्यों? मैं प्यार करता हूँ जैसे पगली। पागल पागल हो क्या तुम?
और क्या बकवास किया जा रहे हो कौन तुम? तो अब तो मुझे पहचाने की भी नहीं। हाथ कैसे लगाया? दूर रहो। दिमाग घूम गया मेरा। 15 दिन तक नजर रखी थी उसके ऊपर। जो मेरे को हर्ट करेगा मैं उसे हर्ट करूंगा। अरे वाह, पहचान गई? थप्पड़ मारा था ना मुझे? चले जाओ यहाँ से। अब मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? तो पहले तुम पर मारा हुआ। बाहर जाओ, मैं मार दूंगी। इस गोले में चलाना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी बंदूक चलाई है? अच्छा, जब गोली लगती है तो कैसा लगता है? आज महसूस करना। मुझे थप्पड़ मारती है। इतना प्यार किया मैंने और उसने मुझे थप्पड़ मारा, गन दिखाया। क्या उसे मारकर मैंने कुछ गलत किया? किसी को चाहना, किसी पर जान लुटाना, किसी से प्यार करना, शायद ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। लेकिन तब जब वो दूसरा इंसान भी आपसे प्यार करे। शिवा हिना से प्यार करता था, लेकिन हिना की जिंदगी का प्यार अनिकेत था। वो अनिकेत से शादी करने वाली थी और इसी गुस्से में शिवा ने उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं, शिवा ने पंकज को भी मार दिया, ये सोचकर कि वो उसे नीचा दिखाता है। शिवा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और माँ के मरने के बाद से ही वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा था। शायद वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। भले ही शिवा परिस्थितियों का शिकार था, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे हम सबके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी की जान लेने का हक हम में से किसी को नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।